अस्सलाम वालेकुम। हाय वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड फन जोन। वीवर्स, आज मैं बच्चों की फेवरेट चीज़ बनाने जा रही हूँ। मेरा फान वालों का बनाना कस्टर्ड बना रही हूँ। वीवर्स, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हैं और इजीली ये बन जाता है। उसके साथ मैं बनाऊंगी रफान वालों की स्ट्रॉबेरी की जेली। ये भी आप देख सकते हैं, सिर्फ हमें एक ये जेली का पैकेट चाहिए होगा और ये बन जाएगा। चलिए मैं सबसे पहले आपको कस्टर्ड बनाने का मेथड बताती हूँ और उसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। उसके लिए मैंने लिया है रफान दाना कस्टर्ड का एक डिब्बा। ये मुझे चाहिए एक कटोरी चीनी और दूध मेरे पास है 1.5 लीटर। अब मुझे सबसे पहले चाहिए होगी एक कटोरी और एक बीटर। मैं इसमें से 5 टेबलस्पून कस्टर्ड इसमें निकालूंगी। और व्यूअर्स, हम ये दूध को रख देते हैं चूल्हे पर और इसकी आंच ऊंची कर इसे उबाल आने देंगे। 5 टेबलस्पून कस्टर्ड लेके मैंने और मैंने ये 1/2 कप मिल्क लिया है, इसमें मैं ऐड करूंगी और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई लम्स नहीं होना चाहिए। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी बीटर की मदद से। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने इसे मिक्स कर लिया है और इसमें एक भी लम्स नहीं है। इसको अच्छी तरह से आपने दूध में मिक्स करना है। और दूसरी तरफ ये देखिए, दूध को उबाल आ चुका है, ये गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता कस्टर्ड ऐड करना स्टार्ट कर दूँगी और इसको हिलाती रहूँगी। व्यूअर्स, ये देखिए, पहले आप जस्ट थोड़ा सा कस्टर्ड इसमें ऐड करेंगे और इसको फ़ौरन से आप हिलाना स्टार्ट कर देंगे ताकि इसमें भुटियाँ ना बन जाएं। इसको मैंने अच्छे से मिक्स करना है। जब आप देखें कि ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है तो तब आपने दोबारा से कस्टर्ड ऐड करना है। इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं मिक्सचर इसमें कस्टर्ड का और ऐड कर रही हूँ और इसको मैं फ़ौरन से दोबारा हिलाना स्टार्ट कर दूँगी। व्यूअर्स, इसमें अब बॉयल आ रहा है। अब मैं इसमें 1 कप चीनी ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह मिक्स होने दूँगी। तब तक हम बनाने चलते हैं जेली। व्यूअर्स, रफान की जेली बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो ये देखिए। रफान स्ट्रॉबेरी जेली का आप डिब्बा ले लीजिए, 2 टेबलस्पून शुगर ले लीजिए और 2 कप ऑफ वाटर चाहिए। पानी को मैंने चूल्हे पर रख दिया है और अब इसके बॉयल आने तक वेट करेंगे और साथ ही हम इसमें शुगर ऐड कर देते हैं। जब तक इसमें बॉयल आएगा तब तक इसमें हम वेट करेंगे। व्यूअर्स, कस्टर्ड रेडी हो चुका है। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। बच्चों का बहुत फेवरेट होता है कस्टर्ड और जेली, तो व्यूअर्स आप ज़रूर ट्राई कीजिए, अपना फीडबैक मुझे दीजिए। उसके अलावा मेरा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं इसको, इसमें बॉयल आ जाए तो आपने जस्ट इसका पैकेट इसमें फुल ऐड कर देना है। मैंने इसमें शुगर इसलिए ऐड की है ताकि ये बहुत ज़्यादा खट्टी ना हो। शुगर और इसमें उसके सारे जो इंग्रेडिएंट्स थे वो हल हो चुके हैं। अब मैं इसको उसमें थोड़ा सा गाढ़ा होने के बाद ट्रे में निकाल लूँगी। और फिर व्यूअर्स, जेली को बॉयल करके मैंने इसमें ट्रे में निकाल लिया है। कुछ जेली मैंने इसमें निकाली है और कुछ जेली मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी पोर कर दी है कस्टर्ड पर। व्यूअर्स, अब हम इसको जेली को ठंडा होने देंगे, तब तक हम वेट करेंगे, फिर मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी। व्यूअर्स, जेली और कस्टर्ड रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। मैंने इसको पीसेस में कट कर लिया है। मैं क्लोज करके दिखा रही हूँ।
इसको एक ट्रे में निकाल लूंगी। ये मैंने जेली के क्यूब्स इसमें निकाली हैं व्यूअर्स, बच्चों की बहुत फेवरेट होती है ये, जरूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक मुझे दीजिए। आप ये देख सकते हैं कितनी अच्छी जेली बनी है और ये कस्टर्ड भी रेडी है। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।